मऊ जनपद के घोसी नगर के यहिया मार्केट स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के बाहर शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन के बैनर तले LIC एजेंटों ने कार्य बहिष्कार करते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और इस धरना प्रदर्शन को विश्राम दिवस का नाम दिया। शुक्रवार को आयोजित हुए इस धरना प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि जीवन बीमा को यहां तक पहुंचाने में अभिकर्ताओं ने अपना खून पसीना एक किया है, लेकिन केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते अभिकर्ताओं के कमीशन में भारी कटौती की जा रही है, जिससे अभिकर्ताओं के सामने भारी आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्या कहा LIC एजेंटों ने, देखें घोसी लाइव की ये रिपोर्ट। घोसी लाइव में इस वक्त मौजूद हैं घोसी नगर के एहिया मार्केट में। ये एहिया मार्केट की ऊपरी बिल्डिंग में भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा चलती है और ये जो भी हमारे तस्वीरों में दिख रहे हैं ये सारे लोग भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता हैं और जो कि लंबे अरसे से भारतीय जीवन बीमा निगम को अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और एक अच्छा बिजनेस दिए हैं। लेकिन कुछ मांगे हैं इन लोग की, जिस तरह आर्थिक नीतियां सरकार की बन रही हैं उनसे इन लोग को कोई दिक्कतें हैं और पिछले 5 तारीख को भी लोगों ने यहाँ पर धरना दिया था और फिर 25 दिन बाद फिर ये लोग धरने पर बैठे हैं। हम लोगों से बात करते हैं कि किस तरह का धरना है, किस तरह का। सर्वप्रथम अपना परिचय। मैं सुदामा यादव, अभिकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम, सन 1980 से कार्य करता हूँ। इस समय मैं चेयरमैन क्लब लाइव मेंबर हूँ। लाइव मेंबर वो होता है जो जिसकी उम्र 60 वर्ष हो जाए और कम से कम एक ही क्लब का सदस्य हो 15 वर्ष, तब वो लाइव मेंबर होता है। मैं लाइव मेंबर हूँ, मेरी उम्र इस समय 68 वर्ष है और मैं LIC में काम अभी करता हूँ, चेयरमैन क्लब मेंबर। ये किस तरह का धरना प्रदर्शन आज आप लोग का? ये IRDA हम लोगों के कमीशन को घटा रही है। ये जो कमीशन मिलता था आप कह रहे हैं हम 20% देंगे। दूसरी चीज ये हम लोगों के जो लाभ हैं उसमें तो कम कर ही रहे हैं। IRDA ने कहा कि भाई जो कमीशन आपको मिलता है रसीदों पर छप के आएगा। जब किसी दुकान में आप जाते हैं तो क्या कहीं पोस्टर लगा होता है कि वो सामान जो बेच रहा है उसका इतना कमीशन है? ऐसा कहीं नहीं होता है, तो अब रसीदों पर क्यों आएगा? तीसरी चीज़ एक और आ गया जिसकी वजह से IRDA ने बदलना शुरू किया कि हम अब जो पॉलिसी धारक है अपने अभिकर्ता को कभी भी बदल सकता है, अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो दूसरे अभिकर्ताओं से वो अपनी सहायता ले सकता है, उनकी एजेंसी चेंज कर जाए जिसका लाभ उसको मिलेगा। अगर ऐसा हो गया तो ये बार्गेनिंग बढ़ेगी और दिन भर एजेंट केवल दूसरे का क्लब वो फोन नंबर चेंज कराता ही रहेगा, काम क्या करेगा? काम नहीं करेगा। और नहीं तो पॉलिसी धारक बार्गेनिंग करके उससे कमीशन मांगने लगेगा। ऐसी स्थिति में बीमा तो बढ़ना नहीं है, केवल नुकसान होना है। और भी जैसे LIC के हम लोगों के LIC से भी मांग है कि हमारा जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसको बढ़ाया जाए, जो मेडिक्लेम है उसको बढ़ाया जाए। हम लोग की ग्रेचुटी अभी 3 ही लाख है, 5 लाख ये इसको कर दी LIC ने, लेकिन ये 5 लाख अभी जो है संसद से पास नहीं हुआ, उसको ये 5 लाख से 7 लाख करें। जो हम लोगों को पैसे मिलते हैं मेडिक्लेम के उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि वो हमारे पैसे कट करके मेडिक्लेम अधिक दिया जाता है। बहुत सी हाँ जैसे GST को जोड़ देने से सारी नुकसान है। ये सोशल वेलफेयर की कंपनी है, ना कि लाभ कमाने की व्यवस्था है। इसमें जो GST जोड़ देने से, जैसे बैंकों में GST नहीं जोड़ा जाता है, यहाँ GST जोड़ देने से पॉलिसी धारक का नुकसान है। अगर किसी पॉलिसी धारक किसी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, यदि उसके पास पैसा रहता ही तो बीमा क्यों लैप्स कराता? यदि लैप्स करा जाता है कर देता है और जब वो चालू कराता है तो उसके ब्याज पर जो इंटरेस्ट आता है उस पर भी GST लगती है, यही नहीं लगना चाहिए। LIC केवल जो है 4.5 से 5% तक ही बोनस देती है, लेकिन वहीं जब आप लोन लेते हैं तो आपको 10.5% प्लस GST जोड़ के कुल लगभग 11% हो जाता है। ये पॉलिसी धारकों के साथ अन्याय है। यही साहब सारी मांगे हैं हम लोगों की, पॉलिसी धारकों का बिना पॉलिसी धारकों का बोनस बढ़ाया जाए और ये दस्तावेज जो पॉलिसी दस्तावेज पे खर्च कर रहे हैं अब बीमा धारकों का बोनस घटा रहे हैं, इसलिए हम लोग का मांग है कि बोनस रेट बढ़ाए, बीमा धारकों का बोनस रेट बढ़ाए, न कि पॉलिसी बांड 100 पन्ने का दें।
100 का पॉलिसी बांट दे रहे हैं, अब कस्टमर का वो बोनस घटा रहे हैं, ये सबसे बड़ा अन्याय है। अगला कदम आप लोग का क्या होगा? अगला कदम हम लोग का ये रहेगा कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, और जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होगी भाई, हम लोग के सबका नुकसान है। सबसे पहले तो हम लोग हमारी जनता की जो पॉलिसी धार उनका नुकसान कर रही है, तो इन लोगों को जब तक हम लोग चलता रहेगा। अक्टूबर में हम लोग 4 दिन का धरना देने की व्यवस्था बनाए हैं, अभी तो 1-1 दिन चल रहा था, और नहीं मानेंगे तो 4 दिन लगातार हम लोग धरना देंगे। एक पैसा नहीं जमा करने देंगे, बोलिए कि एक पैसा नहीं जमा करने देंगे। अभी जीरो गया है, और हम लोग जब तक एक पैसा नहीं, जो हर पूरे ऑल इंडिया में हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑल इंडिया स्तर का हो रहा है, 1 रुपया नहीं गया आज भी, न जाने देंगे शाम तक हम लोग। जब तक हम लोग की मांगे नहीं पान मानेंगे, तो हम लोग 15 दिन तक धरना देने के लिए तैयार हैं। सारे लोग यह लड़ाई हम अभिकर्ताओं की तो है ही, अपनी मांग की भी लड़ाई है, लेकिन असली लड़ाई हम अपने बीमा धारक पॉलिसी होल्डरों की लड़ रहे हैं। उनके साथ अब अन्याय हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि आप उनके कम बोनस बढ़ा नहीं रहे हैं, बोनस कम कर रहे हैं, और वह व्यक्ति अपनी पॉलिसी पर लोन लेता है तो लोन कोई शौक में नहीं लेता है, परिस्थिति बस मजबूरी में लेता है, और आप उस अपने ही पैसा पर वो लोन लेता है, और उस लोन पर आप 10.5% इंटरेस्ट लेते हैं, आप बोनस देंगे 4% और उससे इंटरेस्ट लेंगे 10.5%, वो भी GST जोड़ करके। वो पॉलिसी होल्डर के काम में पारदर्शिता नहीं है। पॉलिसी होल्डर अगर आता है अपनी पेपर दे के चला जाता है, मेच्योरिटी को SB का हो, वो पेपर खो जाता है तो पूरा ब्रांच कहीं उसको बताने को नहीं तैयार है, ना कोई लायबिलिटी लेने को तैयार है। तो इन सारी मांगों को लेकर, अभिकर्ताओं की मांग को लेकर के, पॉलिसी होल्डर की मांग को लेकर के, हम लोग 1 सितंबर से लगातार धरने पर हैं। उसे 5 सितंबर को भी हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, हम लोगों ने बताया, उसके बाद हम क्रमशः धरना देते रहे, BOC Day का बहिष्कार करते रहे, चलता रहा। हमारे नेतृत्व ऊपर के नेताओं लोगों ने बात किया है, IRDA से, चेयरमैन से, वित्त मंत्री से बात किया है, लेकिन बात बनती नहीं रहा। तो हम लोगों ने भी तय किया कि अगर बात बन जाता है तो ठीक है, और नहीं जब हम मजबूर होंगे तो हमको भी सड़क पर उतरना है। लेकिन मैं इतना आपके माध्यम से IRDA, चेयरमैन और वित्त मंत्रालय को बता देना चाहते हैं कि अगर इस बार लड़ाई आर या पार होगी, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, ये देखिए साफ LIC अभिकर्ताओं का आक्रोश, जो नीतियां बन रही हैं उसके प्रति साफ दिख रहा है। और तमाम अभिकर्ताओं ने कहा कि अक्टूबर में हम फिर 4 दिन तक का फिर अनशन चलाएंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम इस LIC को 1 पैसे का भी काम नहीं होने देंगे। और अभिकर्ता साथियों ने बताया कि ये सोशल वेलफेयर की कंपनी थी, लेकिन सरकार की नीतियां इसको पूरे कारपोरेट कंपनी की तरह से बनाना चाहती, जिसे हम नहीं होने देंगे। और इसी तरह के अपडेट के साथ आप जुड़े रहिए घोसी लाइव के साथ।